पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था गुलमर्ग, और इस वाले ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग से कहाँ पे, बहुत खूबसूरत सा हिल स्टेशन है बिल्कुल उधमपुर के पास, पटनी टॉप। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो अगर आपको पुराने वाले वीडियो देखने, पक्का देखने ला, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है और आज का वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गुलमर्ग से पटनी टॉप डायरेक्ट, मतलब हम लोग आए थे गुलमर्ग, गुलमर्ग हमने घूमा और वहाँ से हम लोग पटनी टॉप, अब यहाँ से हम लोग टहल कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद ही आपका देखेंगे यहाँ तक के पटनी टॉप तक का रास्ता। तो इसको बोलते हैं व्यू पॉइंट। देखो सामने वाला ये पूरा नज़ारा हिमालय वाला, और नीचे घाटी है, पर देवदार के पेड़ हैं। और यहाँ से बात करें हम लोग श्रीनगर देखने की, तो श्रीनगर है ठीक है सामने, आप देख रहे हो नीचे तनमर्ग है, उधर श्रीनगर है। आज क्या है कि बादल आ गए हैं, तो बादल आने की वजह से मौसम थोड़ा साफ साफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे ऐसे नदी बह रही है, और ये बीच में ना जितनी जगह आपको दिखाई दी ना मकान की, खाई जगह सारे के सारे सेब के बगीचे हैं यहाँ पे, सेब के अखरोट के बगीचे यहाँ पे हैं। और ये पूरा जंगल देवदार का है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग के शूज थोड़ा भीग गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने जूते चेंज करने हैं, तो वही चेंज कर रहे हैं। गार्डन ऊपर लिखा भी हुआ है, तो देखिए ये पूरा एप्पल गार्डन है, ये कश्मीरी सेब यहाँ पर मिल रहा है। देखो ये इतने सारे सेब के बगीचे हैं, अभी सेब हुए नहीं है सब भले ही। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर, तो ये रास्ते में इस सेब के बगीचे भी बहुत पड़ते हैं। तो ये है पूरा श्रीनगर शहर, मतलब यहाँ की जो रोड है, मतलब क्या है कि चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है, और बीच में है पूरी की पूरी घाटी, जो यहाँ पैलर रोड है। ऐसा कोई पहाड़ी रास्ता नहीं है कि मतलब आप पहाड़ी रास्ता चढ़ोगे श्रीनगर में, यहाँ से लेके बनिहाल तक बिल्कुल ऐसे स्टेट हाईवे है, कहीं ज़्यादा कोई घुमावदार नहीं। उसको आप आसानी से कोई भी टैक्सी करके, कोई भी अपनी गाड़ी से आराम से आ सकते हो। देखिए जोहार टेलर 114 किलोमीटर, एयरपोर्ट 14, और लाल चौक यहाँ से 9 किलोमीटर है, ऐसा कुछ यहाँ का। यहाँ से हम लोग कर जाएंगे जम्मू की ओर को, चारों ओर आर्मी लगी रहती है शहर के अंदर। तो यहाँ से लाल चौक देखो है 6 किलोमीटर, और जम्मू हम लोग जम्मू पर निकल गए, गुलमर्ग से डायरेक्ट आए और बाईपास कर लिया, और यहाँ से निकल गया। इसी रास्ते में अनंतनाग, पहलगाम, पुलवामा सब आपको इस रास्ते में मिल जाए। तो यह है श्रीनगर से लेके आपका बनिहाल तक का हाईवे, हम लोग ने पूरा वो पैच क्रॉस कर लिया। ऐसे देखो ना, बीच में हर जगह आपको आर्मी दिखाई देगी, आर्मी के ट्रक खड़े रहेंगे, सब कुछ। ये क्या है कि पूरा टेरिस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा आर्मी ऐसे खड़ी रहती है पूरे हाईवे पे। जब से पुलवामा अटैक हुआ है, तब से ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब यहाँ
वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देखो आप चारों ओर आपको ना आर्मी जरूर दिखाई देगी, गली में हर आधे आधे किलोमीटर पे आपको चार पांच जवान जरूर मिलेंगे। तो यहाँ से आप देखिए दोनों साइड देखो सरसों वाले खेत, और सरसों वाले खेत के पीछे पीछे यहाँ पे जितने केसर होता है ना सब केसर भी इन्हीं खेतों में होता है। अगर सरसों कोई भी है केसरों का बात है तो इतना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर देखो पूरा हिमालय रेंज दिखाई दे रही है और नीचे यहाँ पे ये खूबसूरत लैंडस्केप है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। से हम लोग वो केसर वाले जो खेत थे वहाँ से ऐसे गुजरे, तो यहाँ पे सौ बूथ है बहुत सारे केसर और ड्राई फ्रूट की, तो यहाँ से आप ड्राई फ्रूट और केसर दोनों खा सकते हैं। तो हम भी आए हैं खान केसर महल में देखने के लिए क्या मैं क्या मिलता है इधर पे, क्या कॉस्ट है। सो यहाँ पे मिल रही है कैनबेरी, ब्लैक किशमिश, केसरी मिक्स मसाला और यह है सैफ्रॉन केसर जिसे बोलते हैं, इसका एक ग्राम का डब्बा आपको मिलेगा 250 रुपये का, और साथ में कश्मीरी अखरोट और कश्मीरी बादाम। कश्मीरी बादाम है 690 रुपये का हाफ के जी है, और वॉलनट जो है वह है 560 रुपये का हाफ के जी। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे सारा आपको कश्मीर का ड्राई फ्रूट मिल जाएगा। तो पुलवामा का अटैक हुआ था ना वो यहीं पर ही कहीं पे आसपास हुआ था, मतलब इसी रेंज में, क्योंकि अभी हम लोग हैं पुलवामा में चल रहे हैं और वहीं से हमने ड्राई फ्रूट भी लिए हुए थे। तो यहाँ आप देखो सामने बहुत सारे हट्स हैं, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत हैं बने हुए, और हाईवे काफ़ी खूबसूरत है, सीधा सीधा हाईवे है, ज़्यादा ऐसा मतलब उतार चढ़ाव नहीं है। क्रिकेट बैट का शौक है तो क्रिकेट बैट भी आप यहाँ से खींच सकते हो। देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा सबकी फोटो लगी हुई है, इन सबके बैट भी यहीं से बन के जाते हैं, विलो की लकड़ी के बैट उनके लिए। जितने भी हमारे इंडियन क्रिकेटर होते हैं ना, देखो पूरा जो ये ट्रक जा रहा है देखो पूरा ये लकड़ी में विलो की लकड़ी है, और यहाँ सारी इसकी विलो की लकड़ी के बैट के कंपनियाँ हैं। देखो ये पूरी लकड़ियाँ रखी हुई हैं ये ऊपर नीचे, तो इंडिया के सबसे सारे बैट्समैन के लिए बैट यहीं से जाता है। कहते हैं कि विलो की लकड़ी का बैट बहुत ज़्यादा होता है मजबूत। वो देखो ये सारी दुकानें जितनी भी हैं सारी विलो की लकड़ी की है, देखा ना आपने, ये सारी लकड़ियाँ रखी है सब विलो की लकड़ी है, सब बैट बनने के लिए यहाँ पे बैट रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ना कश्मीर को खूबसूरत क्यों बोलते हैं। आप ये देखो सामने वाला नज़ारा देखो, इसी पहाड़ के अंदर टनल होते हुए निकल जाएंगे हम लोग बाहर, और ऊपर पूरी की पूरी है बर्फ इसमें। तो श्रीनगर से यहाँ तक आने पे श्रीनगर के चारों ओर जितने भी पहाड़ हैं सबके सबके ऊपर बर्फ है, तो इसीलिए मतलब क्या है खूबसूरती जो घाटी की है ना वो अपने आप निखर जाती है चारों ओर बर्फ के पहाड़ों की वजह से। तो अब देखो आप नज़ारा, बनिहाल 16 किलोमीटर है, रामबन 55 किलोमीटर है, जम्मू 175 और दिल्ली 792 किलोमीटर है।
ये देखिए सामने का नज़ारा है कितना खूबसूरत। ये ट्रक वाले भाई साहब ने थोड़ा हमारा रास्ता रोक लिया है व्यू का, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है, आपको तो दिखाई दे रहा है। साइड में कान भाई जा रही ना आर्मी की, तो दिक्कत तब इसलिए ओवरटेक नहीं कर पा रहे उसको। अगर अलग टाइप के हॉर्न की आवाज़ सुननी है तो यहाँ पर आके खड़े जाओ। देखो अभी हम लोग जवाहर टनल मतलब यहाँ पर काजीकुंड से आगे पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर जो फास्टैग मतलब वो टोल टैक्स टोल हुआ है, जहाँ टोल टैक्स कटता है, वहाँ पे इतनी भीड़ है कि अगर चार और ट्रक की ट्रक खड़े हुए हैं, और मतलब इतनी आवाज़ आ रही है हॉर्न की तो आदमी का सर फट जाए कुछ देर में वहाँ पर। ये कहानी है देखो, ये इतने सारे ट्रक लगे हुए हैं रास्ते पर। तो प्रवेश कर रहे हैं हम लोग टनल के अंदर। ये आ गई आपकी बनियाल काजीकुंड टनल। तो भैया दिन में से अभी तक लंच वंच कुछ नहीं हुआ, शाम के बज गए हैं छः बज गए हैं। उस्ताद जी ने गाड़ी भगा के रखी हुई है सिर्फ जाम में ना फंसने की वजह से। अभी लास्ट है रामबन के पास, जिस लैंड स्लाइड में हम आते वक्त फंसे थे 4 या 5 घंटे, तो वो हमको क्रॉस करनी है। उसके बाद वहाँ से करीब पट्टी टॉप 50-60 किलोमीटर और बचेगा। आज क्या है कि आज से भी रास्ता पूरा खाली है, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा, जैसे हम आए थे उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, आज रोड पूरी वाला खाली ही मिल रही है ज़्यादा। अभी देखते हैं रामबन में क्या होता है, वहाँ पर जाम लगेगा नहीं लगेगा, जहाँ पर लैंड स्लाइड जो है वो कुछ। देखो जाम और साथ में चल रही है हवा बहुत तेज, और देखो आप धूल कितनी उड़ रही है, और जाम लगा है वो वहाँ तक। हमारी गाड़ी चाहिए है वो पीछे, तो ये जाम बहुत तगड़ा लग पाए। अभी रामबन नहीं आया, वो रामबन के आगे तो एक जाम नहीं है, मैं पहले एक और जाम लगाया है। इधर को आए थे तो हमको इस रोड से आने नहीं दिया था पुलिस वालों ने आगे से, और हम लोग गए थे वो सामने वाली रोड से। तो सामने वाली रोड दिखाई दे रही है आपको, उधर वाली जहाँ गाड़ियाँ चल रही है, तो वहाँ था लैंड साइड और उधर लगा था जाम, उधर हम 4 घंटे जाम में फंसे। अगर हम इस रास्ते आते तो हम श्रीनगर मेघालय शाम को 5 बजे पहुँच जाते, लेकिन सिर्फ उस लैंड स्लाइड की वजह से उसमें 4 घंटे फंसे रहे, हम लोग को थोड़ा हो गया ले। अभी इसमें है क्या, इसमें टेम्परेरी पुल है, हैवी व्हीकल के लिए रोड नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी मतलब छोटे वाले व्हीकल इस पर निकल सकते हैं। पहाड़ पर भस्मा सुर भस्म हुआ, उस पहाड़ का नाम भस्मा पहाड़ है। मतलब यहाँ पे देखो इतनी सारी भैंस है, आज तो हम लोग देखते थे भेड़ बकरियाँ, लेकिन आज मैं इतनी सारी भैंसें एक साथ पहली बार देखा, इतनी सारी भैंसे मैंने एक साथ कभी नहीं देखी है। देखो कम भैंसे थोड़ी हैं, बहुत भैंसे हैं। मतलब सोचो पहले मैं वीडियो नहीं बना रहा था, फिर मैंने मेरे को मतलब वीडियो बनाने में विवश हो गया कि इनके इतनी भैंसे आखिर जा रही है, सब जा रही है। तो हम लोग पहुंच गए अपने होटल में, का रूम दिखाता हूँ आपको, वरना कॉपीराइट लगा, मुझे गाने लग रहा है। तुमको रूम कैसा लग रहा है निहारिका? बहुत अच्छा।
रूम कटरा पसंद नहीं आया, निहायका का रूम श्रीनगर पसंद नहीं आया, क्योंकि क्योंकि ब्लैंकेट में कुछ इसको मतलब दिमाग में थोड़ा वो आता है, थोड़ी क्योंकि हल्का सा गंदगी दिखी तो उसको रूम पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ इसने बोल दिया रूम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मम्मी अपने देखो सूट, मम्मी के सूट की हाल मम्मी वहाँ पता चल गई कहाँ गुलमर्ग में गाना गाते गाते रील बना रही थी, मैं रील रील गाते गाते तो ये था रास्ता, अकेले अंधेरा हो गया तो पूरा रास्ता दिखा नहीं पाया, पटनी टॉप पूरा दिख नहीं पाया, तो अभी मॉर्निंग में हम लोग पटनी टॉप आपको दिखाएंगे सुबह। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग जाने और भी औसम जगहों पे, तो सारी सीरीज देखते हैं ना आराम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक जय भूमि जय उत्तराखंड।